गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था विषाणुओं का नामकरण, पादपों के विषाणु और तंबाकू मोजेक विषाणु जिसे हम PMV कहते हैं, तथा उसकी संरचना भी बताई थी। और हमने मुख्य आपको पढ़ाया था कि जंतुओं के विषाणु जो हमने आपको पढ़ाया था कि किस प्रकार जंतुओं में विषाणु हो जाते हैं, किस प्रकार से वे रोग फैलाते हैं, तो ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट भी थे। और आज हम फिर आपको बता रहे हैं कि जंतुओं में विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग, तो हेडिंग डालेंगे जंतुओं में विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग, जिसमें हम तीन कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला कॉलम हमारा होगा रोग, दूसरा कॉलम हमारा होगा प्रभावित जंतु, और तीसरे कॉलम हमारा होगा कारक जीव। तो रोग में खुरपका एवं मुहेपका रोग होता है। प्रभावित जंतु उसमें होते हैं सभी पालतू पशु, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर आदि। इसी प्रकार से कारक जीव हमारा होता है विषाणु, OAC, Asia 1, SHAT 1, SHAT 2 और SHAT 3। इसी प्रकार से रोग होता है रियंडर पेस्ट, जो सभी पालतू दुधारू पशुओं में होता है, वो होता है चेचक और डिस्ट टेम्पर विषाणु, यानी कि ये कारक जीव होते हैं। फिर होता है अगला रोग है आपका पॉक्स, ये गाय में, भैंस में, बकरी में, भेड़ में और ऊंट में फैलता है। इस रोग का नाम है वैक्सीनिया विषाणु, यानी कि आर्थ्रोपॉक्स वायरस भी इसे कहते हैं। फिर अगला है आपकी नीली जीव, गाय एवं भेड़, मच्छर द्वारा फैलाव, ये मच्छर के द्वारा वायरस फैलता है। फिर आपका अगला है श्लेष्मिया गाय, पेस्टी विषाणु, टोगो विरिडी समूह। तो ये आपके थे जंतुओं में विषाणु द्वारा होने वाले रोग, इसे सभी लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, ये सभी लोग नोट कर लीजिए इसे। अब आपको अगली हेडिंग पढ़ा रहे हैं हम जीवाणु भोजी विषाणु, तो हेडिंग सभी लोग लिखेंगे जीवाणु भोजी विषाणु, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियो बैक्टीरियोफेज। तो कुछ विषाणु जीवाणुओं पर परजीवी होते हैं, उन्हें जीवाणु भोजी विषाणु कहते हैं। इनकी खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक फ्रेडरिक डब्ल्यू ट्वार्ट ने इंग्लैंड में 1915 में, तथा फेलिक्स डी हेरेल ने 1917 में फ्रांस में की थी। जीवाणु भोजी अविकल्पी परजीवी होते हैं, तथा प्रकृति में उन सभी आवासों में भी उपस्थित होते हैं जहां पर जीवाणु पाए जाते हैं। सेल सिंगर ने बताया कि जीवाणु भोजी न्यूक्लियोप्रोटीन अम्ल के बने होते हैं। हर्षे तथा चेज ने T2 जीवाणु भोजी में रेडियो ट्रेसर तकनीक द्वारा अपने अनुवांशिक पदार्थ DNA की खोज की। तो ये था आपका जीवाणु भोजी विषाणु। अब इसके बाद हम आपको अगली हेडिंग पढ़ा रहे हैं विषाणुओं का आर्थिक महत्व, तो हेडिंग हमारी होगी विषाणुओं का आर्थिक महत्व। विषाणुओं का आर्थिक महत्व, जिसे हम कहेंगे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ वायरस, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ वायरस। तो सबसे पहले विषाणुओं से मानव जाति का लाभ तथा हानियाँ दोनों ही होती हैं, इनका वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहले लाभदायक क्रियाएं, तो विषाणुओं के महत्व में सबसे पहले लाभदायक क्रियाएं हेडिंग डाल लें। इसमें लिखें जीवाणु भोजी की जीवाणुओं को संक्रमित करके नष्ट करने की क्षमता का उपयोग कई प्रकार के जीवाणुन्य रोगों के उपचार
एवं रोकथाम में किया जाता है, जैसे अतिसार, आंत्रशोध, पेचिश आदि। रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को टीटू भोजी से नष्ट किया जा सकता है। अनुवांशिकी से संबंधित अनुसंधानों में भी जीवाणु भोजी विषाणु का व्यापक उपयोग होता है। नंबर दूसरा डालेंगे हानिकारक क्रियाएं। तो नंबर दूसरी हेडिंग हमारी क्या है, हानिकारक क्रियाएं। तो मनुष्य में अनेक संक्रामक रोग विषाणुओं के कारण होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, जुखाम, गलसुआ, परिसर्प या हर्पीस। अलर्क रोग या रेबीज, डेंगू, यकृतशोथ तथा हेपेटाइटिस, खसरा, चेचक, पीत ज्वर, पोलियो, मस्तिष्कशोथ, कैंसर, एड्स आदि। ये हानिकारक क्रियाएं भी होती हैं। अब आपको अगली हेडिंग पढ़ा रहे हैं, अन्य विषाणु एवं विषाणुषम कारक, यानी कि इसके अलावा भी और कौन कौन से विषाणु होते हैं। तो उसकी हेडिंग है अन्य विषाणु एवं विषाणु सम कारक, अदर वायरस, अदर वायरसेस एंड वायरस लाइक एजेंट। तो अन्य विषाणु एवं विषाणु कारक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है रेट्रो विषाणु। कौन सा आता है, रेट्रो विषाणु एवं एड्स विषाणु। रेट्रो विषाणु एवं एड्स विषाणु। रेट्रो वायरस एंड एड्स वायरस। तो रेट्रो विषाणु एंड एड्स विषाणु क्या है। यह विषाणु HIV गोलाकार एवं आवरण युक्त होता है। इसकी संरचना जटिल होती है तथा इसके तीन प्रमुख भाग होते हैं, केंद्रीय भाग या क्रोड, मध्य भाग में कैप्सिड तथा सबसे बाहरी भाग लिपोप्रोटीन का खोल होता है। विषाणु में जीनोम, एक सूत्री RNA होता है जो दो समान राइबो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। इसका कैप्सिड केंद्रीय कोर के चारों ओर प्रोटीन अणुओं के बने एक दृढ़ सुरक्षात्मक खोल के रूप में होता है, जिसे न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं, जिसमें प्रोटीन अणु P24 पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन अणु जिन्हें P7 तथा P3 के संकेताक्षर से व्यक्त करते हैं। केंद्रीय कोर में RNA के सूत्रों से ये जुड़े होते हैं और इसी के अंतर्गत HIV की संरचना होती है। तो HIV केवल उन कोशिकाओं पर संक्रमण करता है जिसकी सतह पर CD4 ग्राही प्रोटीन पाए जाते हैं। CD4 प्रोटीन T4 लिम्फोसाइट पर बहुतायात में पाए जाते हैं, अतः T4 लिम्फोसाइट HIV की प्रमुख पोषक या लक्ष्य कोशिकाएं होती हैं। T4 लिम्फोसाइट में प्रवेश करके HIV अपना प्रतिरोध भवन करता है। इस प्रकार यह विषाणु T4 लिम्फोसाइट को नष्ट करके शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता को छीड़ कर देता है। इसका हम आपको HIV की संरचना का चित्र भी दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये है HIV की संरचना का चित्र।
जहाँ ऊपर आप भाग देख रहे हैं लिखा हुआ है रेखा, जहाँ से विषाणु भाग कटा हुआ है लिपिड दुई परत, यानी कि दुई परत है। फिर ये अंदर संरचना आप देख रहे हैं जहाँ P7 लिखा हुआ है, ये घुंडी लगी हुई है, ये ग्रंथ है, ये केंद्रीय कोर है, ये आंतरिक शंक्वाकार टोड़नुमा कैप्सिड का P14 है, ये P19 है, कैप्सिड है, पेप्साइड है, P17 एकल सूत्री एंटीग्रेज प्रतिवर्ती ट्रांजेक्ट्रिप पेल्मोमर आवरण। तो ये है आपका HIV की संरचना। ये आप सभी लोग देख लें और इसे बनाना भी है। HIV की संरचना वेरी इंपॉर्टेंट भी है और इसे पूछा भी जाता है, तथा इसके डायग्राम भी बनाने के लिए भी आ जाते हैं। तो ये आप बच्चे सभी लोग देख लीजिए और इसे आप सभी को बनाना है। कल हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे वायराइड्स।